हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक 1 kg लिया था आम, और ये कच्चा आम है। तो फ्रेंड्स, इसको लिए मुझे 2-3 दिन हो गया और ये रखा हुआ था, तो हमने सोचा लाओ इसका बच्चों के लिए कुछ बना दें। तो फ्रेंड्स, आप सब मेरे वीडियो में जुड़े रहिएगा और आगे आगे देखिएगा कि हम इसका क्या बनाते हैं। तो तब ये ठीक नहीं थी, मैंने अपना दांत उखड़वाया था, तो इसीलिए दर्द के मारे हम कुछ कर नहीं पा रहे थे घर का काम। तो अभी थोड़ा थोड़ा आराम है, दवा चल रही है, अभी 2-4 दिन दवा अभी और खानी है। और हाँ, मैंने अपना टाँका कटवा लिया है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे बोलने में आसानी हो रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको पहले हम छील लेते हैं, और फिर छीलने के बाद इसको हम कट करेंगे। तो सारे आम को हम छील लेंगे, और छीलने के बाद इसको अच्छे से पानी से हमें धोना है, और धो के फिर इसको एक साफ कपड़े पे फैला के सुखवा देना है पंखा चला के। तो अभी गर्मी का सीज़न है, जल्दी सूख जाएगा ये। तो देखिए, आप लोग हमसे जुड़ी रहिएगा और 2 मिनट वीडियो वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि हाँ, हमारा ये जो तरीका है कैसा लगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट के साथ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने आम को छील लिया है, और इसमें कुछ 1-2 आम हमें पके भी मिल गए, थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का पका था, बहुत ज़्यादा पका नहीं था। तो भी इसको भी मतलब कट कर लेंगे, लेकिन बाद में इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह के पीस में हमें इसको कट करना है, तो इसको चलिए हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक टुकड़ा मतलब मुंह में डाल के देखा, आम बहुत ही ज़्यादा खट्टा था, और मैं कच्चा आम कभी नहीं इस तरह खाती हूँ, मतलब बस थोड़ा सा चख के देखा था। तो अभी यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख लिया है, और आम को मैंने धुल के इसको साफ कर लिया है, सुखा लिया है, और सारे आम को मैंने अच्छी तरह से धुल लिया है। तो चलिए बना लेते हैं हम अचार। तो फ्रेंड्स, इसमें ये देखिए, हमने नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला, यही सब मैंने डाल के इसको रख लिया है। और जो पके हुए थोड़ा सा आम था, तो उसको मैंने अलग कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारा मिला लिया है, मतलब मिला के इसको अब मुझे डब्बे में रखना है। और ये आम अचार बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो चलिए, इसको अभी हम डब्बे में रख देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको डब्बे में रख दिया है, और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल डाल दिया था। तो और हाँ, उसमें मैंने नमक और सरसों का तेल मसाले में भी डाला था, और एक गुड़ मैंने फोड़ के, गुड़ की फैली फोड़ करके इसमें मिला दिया है, जिससे ये गलेगा तो खट्टा मीठा अचार बढ़िया बन जाएगा। तो आप लोग भी बनाइएगा घर में, सभी को पसंद आएगा इस तरह का अचार फ्रेंड्स, तो ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा अचार कैसा लगा आप लोगों को। और मैंने ये बच्चों के लिए बनाया है, बच्चों के लिए क्या, तो बड़े भी खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी अचार होता है ये, खट्टा मीठा गुड़ वाला, कुछ तीखा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। तो आप इसे रोटी या पूड़ी या पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं,
और बहुत ही यम्मी और टेस्टी अचार ये बनता है। तो अभी मुझे इसे एक हफ्ते के लिए थोड़ी थोड़ी देर, आधा एक घंटा के लिए मतलब धूप में रखना पड़ेगा, ये तब जल्दी गल जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से और एक ही दिन में बनने वाला अचार है, ज़्यादा इसमें कोई झंझट भी नहीं है और आराम से आप घर में बना सकते हैं। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से फ्रेंड्स। तो कहते हैं आप लोगों से हम बाय बाय।